नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा पस में। कैसे हैं सभी? अभी यूपी SSSC के वीडियो एग्जाम को लेके बहुत ज्यादा खबर फैल रही है आग की तरह कि ये पेपर जो आपका होना है 18 जून को, और वो भी क्यों ना, ये जो वीडियो एग्जाम की आवाज है, या ऐसा बोल सकते हो कि इसकी जो आग है, ये फैलने का कारण भी यही है कि लगातार बच्चे 2018 से इंतजार कर रहे हैं। 2018 से कहीं अगर उनका पेपर दिए तो फिर पेपर 2020 तक रिजल्ट आने के बाद फिर से पेपर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और वर्ष 2023 चल रहा है, 5 साल हो गया। और सबसे बड़ी बात जानते हो इंतजार का क्या है? सबसे बड़ी बात इंतजार का ये है कि ये एकमात्र ऐसा पेपर है जो पीईटी के स्कोर कार्ड पे नहीं होगा, और इसमें जो लगभग 16 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे, 14 से 16 लाख, और 9 लाख बच्चे लगभग पिछली बार इसमें पेपर दिए थे, वो सारे के सारे लोग इंतजार कर रहे हैं जिनकी अभी तक कहीं भी जॉब नहीं लगी हुई है, क्योंकि ये पीटी के स्कोर कार्ड पे नहीं है। पीटी का स्कोर कार्ड होता तो शायद इसमें भी बहुत सारे बच्चे वंचित रह जाते, क्योंकि मात्र 2000 समथिंग वैकेंसी थी, और 2000 वैकेंसी पे लगभग 15 से 15 गुना बुलाते भी तो कितना ही बुला लेते, लगभग आपका 30,000 बुला लेते, 40,000 बुला लेते, और 30,000 40,000 मतलब परसेंटाइल फिर से 90 परसेंटाइल 92 परसेंटाइल के ऊपर जाता। तो यही कारण है, एक तो सबसे ज्यादा बच्चों में एक बहुत क्यूरियोसिटी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बहुत एम्बिग्युटी भी है कि इसमें बहुत सारी चीजों को लेके वो परेशान भी हैं। सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको वो परेशानी जो आपके दिमाग में क्वेश्चंस हैं, जो डाउट्स हैं, उनको क्लियर करूंगा। दूसरी बात कि अब अगर आपका एग्जाम की डेट 18 जून सही है, एक मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि एग्जैक्टली ऑफिशियली आ गई है, बट 99% ये भी बोला जा सकता है कि 18 जून या 18 जून के इर्द गिर्द, मतलब अब आपका जून महीना जो आपके लिए वो वीडियो एग्जाम के लिए महीना बन सकता है, शायद इससे ज्यादा लेट ना हो। अब इससे हालांकि पहले भी बहुत मुश्किल है, बट इससे लेट भी नहीं है, तो लगभग इसके अबाउट में आप मान सकते हो। और ऐसे में सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है कि हम तैयारी जो कर रहे थे, ऐसा आप में से कोई ऐसा फ्रेशर बच्चा नहीं है, हर बच्चा पिछले 5 साल से तैयारी कर रहा है, पहले वीडियो के लिए तैयारी किया होगा, फिर किसी और एग्जाम के लिए तैयारी किया होगा, अब उसे कुछ नया पढ़ने के लिए नहीं है, और उसी तर्ज पे एक नई रणनीति क्या होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा जरूरी है, जैसे आपने थंबनेल में भी देखा कि टेस्ट सीरीज का जो सबसे बड़ा रोल है, उसे हम लोग कैसे इस रोल को या इस टेस्ट सीरीज की मदद से हम कैसे अपने सिलेक्शन को और भी यहाँ पे अच्छा कर सकते हैं, या अपने चांसेस को और भी क्लियर कर सकते हैं, अभी कंक्रीट कैसे कर सकते हैं, उस टेस्ट सीरीज में कौन से कैसे टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, उसके क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, सारी चीजें मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूं। यदि आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। सबसे पहले तो आपके जो डाउट्स हैं, पहला डाउट यह है कि कुल कितने बच्चे इसमें इस बार पेपर देंगे, जो बच्चे पिछली बार पेपर नहीं दिए थे क्या वो बच्चे इस बार एलिजिबल हैं या पेपर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो पहली बात मैं बच्चों बता दूं कि जब भी री एग्जाम होता है तो ये नहीं देखा जाता है कि कितने बच्चों ने पेपर दिया था या नहीं दिया था। पिछली बार का अगर आप आंकड़ा देखोगे तो लगभग 9 लाख बच्चे पेपर दिए थे, बट इस बार अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि जो पेपर दिए थे वही दोबारा देंगे। जिनका भी पिछली बार एडमिट कार्ड जारी हुआ था, वो सारे ही बच्चे, या इन डायरेक्टली ये बोलो कि जितने बच्चे फॉर्म भरे थे उनका फॉर्म सही था, वो सारे ही बच्चे क्या होंगे, इस बार भी उनका एडमिट कार्ड जारी होगा, वो सभी बच्चे इस बार भी एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं, इस परीक्षा को दे सकते हैं। तो पहला डाउट एकदम आप क्रिस्टल क्लियर रहो कि ऐसा नहीं कि जो एग्जाम देते वही होंगे, सभी इसमें बैठ सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन बहुत बड़ा आ रहा है कि लगभग कितने बच्चे इस बार बैठेंगे, 9 लाख या 9 लाख से ज्यादा या 9 लाख से कम, कंपटीशन का स्तर बढ़ा है या कम हुआ है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो ये तो मेरे सामने आपकी पिछली बार का जो नोटिफिकेशन है वो मैं लेके यहाँ पे किया हूं, और इसके माध्यम से ही आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो मैं आपका यहाँ पे क्लियर कर देता हूं कि जो बच्चे इस चीज को लेके परेशान है कि सर इस बार कितने कितने बच्चे अप्लाई करेंगे, तो उनको मैं बता दूं कि भाई अगर टोटल 14 से 15 लाख पिछली बार फॉर्म पड़े थे और उसमें 9 लाख बच्चे दिए थे, इस बार भी ऐसा नहीं है कि बच्चे कम रहेंगे। हो सकता है जो पिछली बार छोड़ दिए थे, कुछ बच्चे फ्रेशर थे, कुछ बच्चे ऐसे भर दिए थे जिनकी तैयारी तब नहीं थी, वो बच्चे अब जरूर देंगे, है ना। हालांकि बहुत सारे बच्चे जो थे वो क्या हो गए हैं, वो बहुत सिलेक्टेड भी हो गए, तो ऐसा बोल सकते हो ऊपर की जो क्रीम लेयर है, मतलब ऐसा बोल सकते हो कि ऊपर के जो टॉपर्स हैं वो कहीं ना कहीं सिलेक्टेड होंगे। कोई UPSI में हो गया है, कोई लेखपाल की भर्ती में, उसका भी हालांकि रिजल्ट नहीं आया, बट उनमें चांसेस ज्यादा बन रहे हैं, या इससे पहले UPSSC के और किसी, नहीं UPSSC तो UPP की किसी में, नहीं UPP तो केंद्र की किसी वैकेंसी में, SSC वगैरह 2 से 3 बार तब से हो गई, ऐसे बच्चे, या बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं PCS वगैरह की परीक्षा में भी चयनित हो गए हैं, तो वो बच्चे जो इससे अपर लेवल पे क्या हुए हैं, सेलेक्ट हुए हैं,
वो तो इसमें नहीं बैठेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऐसे कितने बच्चे हैं, 2000, 5000, 10000, 15000, 20000, बहुत ज्यादा होंगे बच्चे 10000 होंगे, इससे ज्यादा बच्चे नहीं होंगे जो नहीं बैठेंगे, तो लाखों की संख्या में 10000 को कंपेयर किया जाए तो वो कोई कंपेरिजन नहीं होता। हाँ ये बात अलग है कि अब वो जो टॉपर्स हैं वो छट गए हैं, तो क्या 5 साल में नए टॉपर्स नहीं बनेंगे? क्या 5 साल में बच्चे तैयारी करना छोड़ देंगे? क्या 5 साल में बच्चे और अपनी तैयारी किसी एग्जाम के लिए नहीं कर देंगे? तो आप दिमाग में ये क्यों ला रहे हो कि वो टॉपर्स कट गए तो हमारा कंपटीशन कम हो गया? एक नया कंपटीशन आपके लिए तैयार हो गया है, और इस कारण से आप ये भी दिमाग से निकाल दो। तो लगभग जो जो सीन पिछली बार था वही सीन इस बार भी है, टोटल नंबर ऑफ बच्चे जो एग्जाम में बैठेंगे या फिर जो कॉम्पिटिशन का लेवल है वो सेम है। अब बात जो डिपेंड होती है वो होती है पेपर के लेवल पे, कि पेपर का लेवल क्या रहेगा। जैसे अगर बात किया जाए तो पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो 211, 300 नंबर का पेपर था, 150 क्वेश्चन, 300 नंबर, ये बात सभी को पता होगी। पिछली बार 211 कट ऑफ गई थी जनरल की, 205 ओबीसी की, और ऐसे करके आपकी एससी एसटी बाकी कट ऑफ गई हुई थी। बट क्या इस बार वो कट ऑफ ज्यादा जाएगी या कम जाएगी? तो ये बच्चों डिपेंड करता है पेपर के लेवल पे। पिछली बार पेपर का लेवल नो डाउट टफ था, बट इस बार क्या हो सकता है? अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं, ये लास्ट ईयर की बात करूं, तो लास्ट ईयर ये मॉडरेट टू टफ लेवल पे ले जाएंगे, और टफ ही ज्यादा बोलेंगे, इसे मॉडरेट कहना थोड़ा सा, जो जिस लेवल का पेपर है, 12th लेवल का पेपर, उसके हिसाब से टफ ही बोला जाएगा, मॉडरेट नहीं बोला जाएगा। लेकिन क्या इस बार भी सेम रहेगा? ऐसा नहीं है, इस बार आपकी एजेंसी बदली है। पिछली बार क्या हुआ था, 2018 में मैक्सिमम जो आपके एग्जाम करवा रहे थे वो टीसीएस करवा रहा था, है ना, ये टीसीएस जैसी एजेंसी करवा रही थी। तो उस समय अगर आप देखोगे, जैसे युवा विकास कल्याण, युवा कल्याण का आया था, मंडी परिषद का था पेपर, उसी बार हुआ था, वीडियो का एग्जाम हुआ था, तो वो सारे ही पेपर एक जैसे थे, और उसमें उस बार पेपर बहुत टफ बन रहा था, क्योंकि टीसीएस एजेंसी ने के जो क्वेश्चन बैंक थे वो यूपी ट्रिपलसी के हिसाब से बने नहीं थे, उसने बैंक के क्वेश्चन को पुट कर दिया था। लेकिन उसके बाद से जो एजेंसियां रिक्रूट हुई, जैसे आप देख रहे हो फिर से पीटी का पेपर कंडक्ट कराया गया, इस बार लेखपाल का पेपर कंडक्ट कराया गया, या और भी बहुत सारे वंदरोगा वगैरह के पेपर कराए गए, तो ये सब भी जो पेपर कराए गए हैं इनसे आप एक लेवल देख सकते हो कि किस हिसाब से इस बार अब जो एजेंसी आ रही है वो नई चयनित हो रही है, तो उस हिसाब से कैसे पेपर सेट हो रहे हैं। तो एक बात मैं बता दूं कि अब जो आपके पेपर करवाएंगे वो इन्हीं में से कोई एजेंसी करवाएगी, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी एजेंसियां होती हैं, इक्का दुक्का ही एजेंसी होती है, 10-12 एजेंसी नहीं होती, और उन्हीं एजेंसी को बार बार ठेका मिलता है, इस बात को भी मैं क्लियर कर दूं। तो हो सकता है आपका पेपर जो पीटी और लेखपाल करा रही उस एजेंसी को मिल जाए, या हो सकता है किसी टेक्निकल वाले को मिल जाए, जैसे आपके जो टेक्निकल एग्जाम की करवा रहे, बट जो ज्यादा चांस है वो आपके उस एजेंसी को मिलेगा जो नॉन टेक पेपर करवा रहे हैं, जैसे पीटी हो गया, जैसे लेखपाल हो गया, उस एजेंसी को मिलेगी। तो पेपर का लेवल उस हिसाब से देखा जाए तो पेपर का लेवल इस बार इजी टू मॉडरेट रहने वाला है। क्या रहने वाला है? इजी टू मॉडरेट लेवल मैं बोलूंगा, और सब लोग इस बात को दिमाग में रख दो, पेपर बहुत टफ नहीं आएगा, वरना आप लोग की तैयारी पूरी बेकार हो जाएगी, इस हिसाब से आपको तैयारी करना है इजी टू मॉडरेट लेवल में। और इसके कारण से आपका कट ऑफ ज्यादा जाएगा। अगर पिछली बार देखा जाए तो 211 बटे 300 लगभग 70% भी नहीं छुआ था कट ऑफ, 67 से 68% लेके चल सकते हो, बट इस बार आपका जो कट ऑफ जाएगा वो कट ऑफ बढ़ेगा, और कितना बढ़ेगा, ये 75% के ऊपर आपका बढ़ सकता है। ये हमें लेके चलना है, मैं तो कहूंगा कि भाई बिल्कुल 50% पे कट ऑफ चला जाए तो हमारे फायदे की बात है, लेकिन यथार्थता कुछ और है, उसको हमें लेके हुए चलना पड़ेगा कि जो कट ऑफ हमारा होगा वो 75% के नियर अबाउट हो सकता है, 2-3% कम हो सकता है, 2-3% ज्यादा, बट आपको तैयारी ये मान के चलनी है, मतलब 300 नंबर के पेपर में आपको कम से कम 300 नंबर के पेपर में अगर बात किया जाए तो कम से कम आपको 220 प्लस के स्कोर को टारगेट करके लेके चलना है, इससे कम तो लेके मत चलो, लगभग आप इस पे स्कोर करो, और इससे जितना ज्यादा हो जाए उतना। अब मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि 80% 85% के ऊपर चला जाएगा, नहीं 80-85 तो नहीं जाएगा, बट आपका फिगर यहीं पे रहेगा, करीबन 75% के इर्द गिर्द रहेगा। तो आपको यहाँ पे अपनी तैयारी इसको लेके हुए चलने, इसको दिमाग में रखते हुए चलना। क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन इस बार पुट होगा, तो क्वेश्चन पुट करने की हम बात बाद में करेंगे, पहले कुछ चीजें हम आपको और क्लियर कर दें जो आपकी एलिजिबिलिटी को लेके है। जैसे कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर इसमें ट्रिपल सी के समकक्षता वाले भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, उसको मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे
नोटिफिकेशन के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा तो शायद ज्यादा अच्छे समझ पाओ। ये बाकी चीजें तो सबको पता है। इसमें यह भी देख लो कि पिछला वीपीओ की वैकेंसी ज्यादा थी बच्चों, वीडियो की नहीं थी। ये बच्चे अभी भी पूछ रहे थे 1527 वैकेंसी केवल उसमें कितनी थी, ग्राम पंचायत अधिकारी की थी। बाकी जो ग्राम विकास अधिकारी है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है, उसके 362 पद थे और वो अस्थायी थे। हालांकि पद तो सारे स्थायी होते हैं बट मेन जो वैकेंसी है वीपीओ की वैकेंसी थी, इस बात को समझना। और समाज कल्याण पर्यवेक्षक के 64 फेमस वाले वीडियो के नाम से है पर समझते हो। यहां पे एक चीज और समझना कि जो आपका वीपीओ वाला था उसमें जो विकलांग थे उनका कोटा नहीं था। खैर ये छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं दोबारा आपका जो दिमाग कंसंट्रेशन इस पे आ जाए, जो फोकस आ जाए वो बताता हूं। अब अनिवार्य अर्हता शैक्षिक को हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखो कि जो ग्राम पंचायत अधिकारी था उसने, बाकी तो ये सब पॉइंट वन तो सब में सेम है कि आपका क्या होना चाहिए, 12th होना चाहिए, उसके समकक्ष कुछ होना चाहिए जो भी हो। तो पॉइंट नंबर टू में स्लाइटली डिफरेंस है। जो बीपीओ वाली वैकेंसी उसमें क्या लिखा है, एनिलेट, NILET, यानी नीलेट या पहले डोएक के नाम से जो संस्था थी, इसके द्वारा प्रदत्त कंप्यूटर में CCC प्रमाण पत्र, CCC का प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो जो मेन प्रमाण पत्र CCC का बोला जाता है वो नीलेट के द्वारा ही होता है और इसी को मेन बोला जाता है। लेकिन बाकी तो मैं देखो कंप्यूटर संचालन में CCC प्रमाण पत्र की अर्हता, यहां पे भी CCC ही बोला गया है लेकिन नीलेट के द्वारा नहीं बोला गया है। तो रिलैक्सेशन क्या है, ऐसा नहीं है कि CCC के समकक्ष कुछ चल जाएगा। देखो अगर वहां पे, क्योंकि ये भाई उत्तर प्रदेश है और यहाँ पे एग्जाम हो जाने के बाद, रिजल्ट हो जाने के बाद, एक दो महीना नौकरी करने के बाद कोई केस दायर हो जाता है और उसके बाद नौकरी हाथ से चली जाती है, फिर उस बात को समझना, तो आप उस लफड़े में ना पड़ो। उससे अच्छा है भले आप नीलेट से कहीं CCC ना बनवाओ, आप किसी इंस्टीट्यूट में जाओ, अभी भी आपके पास समय है, यहाँ पे आपका बन जाता है, जो ये वाला सेशन चल रहा होगा उसी में आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर नीलेट से नहीं है तो हो सकता है 2-3 हजार रुपए एक्स्ट्रा लगे, 4 हजार रुपए, वो वहां पे लेके और आपके बैक डेट, मतलब जो ये सेशन चल रहा है इसी वाले सेशन पे। लेकिन ध्यान देना कि ये पेपर 2018 है तो उसकी डेट के अकॉर्डिंग आपका जो भी हो उसके अकॉर्डिंग तैयार रखना। ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ पे अभी आप सर्टिफिकेट बनवा लो इस डेट में और आपका क्या हो जाए कि वहां पे मान्य हो जाए। तो आपका जो ये डेट होगा वो एग्जाम में जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट था उससे पहले की डेट में ये होना चाहिए, नहीं CCC होना तो CCC ही चाहिए, लेकिन इसमें नीलेट वाला जरूरी है, इसमें आप जनरल भी CCC का सर्टिफिकेट बनवा लेते हो तो काम कर जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, नोटिफिकेशन में लिखा है और इसकी बदौलत आप केस भी लड़के अपनी नौकरी पक्की कर सकते हो, ये बात आप समझिएगा CCC के समकक्षता वाले, ठीक है। बाकी जो अधिमानी अर्हता है वो तो सारी चीजें अलग ही है, उसके भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अधिमानी अर्हता वो होती है कि इन बच्चों को प्रायोरिटीज दी जाएगी। अगर ऐसे बच्चे आते हैं तो दो बच्चों के समान स्कोर है, तो जो बच्चे ये अर्हता अपने साथ रखते हैं उनको क्या दिया जाएगा, वेटेज दिया जाएगा, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। जैसे जो सेना में 2 वर्ष तक की सेवा किए हो, या फिर NCC का बी का प्रमाण पत्र हो, या फिर जिसकी ग्रामीण पृष्ठभूमि होगी केवल उपर्युक्त बिंदु 7(1) में पद क्रमांक 1 पर ग्राम पंचायत अधिकारी के संबंध में लागू होगा। ये वाला जो तीसरा पॉइंट है वो केवल बीपीओ में लागू होगा, बाकी दो सब में लागू होंगे, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि आपके जो डाउट्स थे वो मैंने क्लियर कर दिया। अब बात आती है कि टेस्ट सीरीज का क्या फायदा मिलेगा, ये बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है। टेस्ट सीरीज का क्या फायदा मिलेगा इस चीज को हम लोग समझते हैं, आओ। अब टेस्ट सीरीज का फायदा समझने के लिए सबसे बड़ी बात है कि हमें इसके पूरे मॉड्यूल को समझना पड़ेगा कि जो वीडियो एग्जाम आपका होने जा रहा है। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊंगा क्या कि जो अब आपका पेपर होने जा रहा है वो एजेंसी कौन सी होगी, ये सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है कि एजेंसी कौन सी होगी। तो एजेंसी कोई भी आपकी जो रिसेंट में, जो रिसेंट के एग्जाम आपकी UP CCC की करवा रहे हैं वो वाले होगी। इसका मतलब एजेंसी आपकी कोई भी हो, आपके कौन से रिश्तेदार है, आपको रिसेंट एग्जाम के पेपर को एनालाइज करना है। ये पेपर को एनालाइज करिए, यहां से आप एग्जाम के करीब पहुंचेंगे। कौन सा पेपर, आप PET 21 को लगाइए, उसके पेपर को लेवल के देखिए, उसके क्वेश्चन को देखिए, PET 2022 को देखिए, आप लेखपाल परीक्षा को देखिए, ठीक है। ये सारे जो पेपर है, यही नहीं कुछ टेक्निकल एग्जाम भी हुए हैं जैसे JEE 2016-18, उनके GS और रीजनिंग पार्ट को देखो, हिंदी पार्ट को देखो, वहां से भी टेक्निकल छोड़ के नॉन टेक वाले पोर्शन को देखो। तो ये जो आपके होंगे क्वेश्चंस या क्वेश्चन पेपर का जो लेवल होगा वो आपके इसी लेवल का होगा, इस तर्ज पे आपका पेपर आएगा। तो आपको तैयारी भी ऐसे करनी है, पिछला क्या था वो भूल जाओ, 5 साल पुरानी बातें हैं, ना वो एजेंसी है, ना उस लेवल का पेपर होगा, ना आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए। दूसरी बात, तैयारी में हम क्या करें, फ्रेश पढ़ें या फिर
या फिर हम अभी करंट अफेयर्स की बात करते हैं। करंट अफेयर्स किसकी कब करें, करंट अफेयर्स अब का करें या तब का पढ़ें? करंट अफेयर्स जब आपका पेपर दोबारा बनता है उस अकॉर्डिंग होता है। ऐसा नहीं है कि 2018 का पेपर है तो 2018 का करंट अफेयर्स पूछेगा। जो करंट अफेयर्स होगा, अगर आपका मैं पेपर बोल दूं कि ये जून जुलाई में प्रस्तावित है तो पेपर दो महीने पहले बन जाएगा और इस एक महीने पहले बन जाएगा मतलब मई के पहले, तो आपको 2022 यहां पे नवंबर 2022 से नवंबर 2022 से लेके आपको मई तक लेके चलो या मई 2023 तक, यहां तक का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। इस बात को समझते हुए चलना, ठीक है? ये आपको जीएस के लिए मैं बता रहा हूं जो सबसे सटीक हो सकता है। बाकी आपको क्या करना है, एनसीईआरटी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या एनसीईआरटी जिस्ट बोल लो, या एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको जहां से भी मिल जाए आप वहां से पढ़ने का प्रयास करो, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस पे ही आपके रिसेंट के सारे पेपर बन रहे हैं, तो आपको एनसीईआरटी को बेस बना के आपको जीएस के लिए पढ़ना है। रही बात हिंदी और आपके रीजनिंग के लिए, तो एक बात मैं बता दूं कि आपको तैयारी ये करनी ऐसे करनी है कि आप जितना पढ़ पाओ उतना पढ़ लो, और फ्रेश पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। 5 साल से आप लगातार पढ़ते ही आए हो, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको उसे मोस्टली केवल रिवाइज करना है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज देना है। टेस्ट सीरीज कहां से दे ज्यादा कहां से लगाएं, तो इसको मैं बोलूंगा टेस्ट सीरीज आप जितना हो सकता है जहां से हो सकता है वहां से जहां का पाओ वहां लगाओ। लेकिन इसका मतलब है नहीं कि कहीं से भी उठा के कोई भी एकदम नया नया आया हो, कोई अभी किसी अनुभव ना हो बनाने का, बस अपना नाम बना रहा हो कि नहीं हम नई कोचिंग खुल के आ रहे हैं बहुत भविष्य में नाम कमाएंगे, आप उनके बहकाव मत जाओ। एक जो जिनके पास अनुभव हो, जिनके पास टीम हो, जो लगातार पेपर कराते आ रहे हैं, जिनका एक नाम हो, आप उनसे टेस्ट सीरीज कंडक्ट करो, टेस्ट सीरीज लो, और एक ही दो पेपर में आप ये भी जज करो कि जो पैटर्न है नए के हिसाब से पुराने के हिसाब से नहीं आएगा। इसलिए टेस्ट सीरीज आप ज्यादा से ज्यादा लगाओ और मैक्सिमम मल्टीपल इंस्टीट्यूट का लगाओ, इसलिए मैं बोलूंगा इसमें आपको क्या मिलेगी, डाइवर्सिटी मिलेगी और आप एग्जाम के ज्यादा क्लोज में जाओगे। तो यहां पे आप, मैं बोलूंगा मल्टीपल इंस्टीट्यूट के लगाओ, है ना। और सबसे अच्छा तो है इसे टीम परीक्षा प्लस भी, इसके टेस्ट सीरीज आपको निःशुल्क करवा रही है संडे संडे में, आप वहां से भी करते रहो, ठीक है। परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप कर सकते हो। टेस्ट बुक से आप कुछ कर लो, थोड़ा बहुत वो इलेवेंट चले जाते हैं पैटर्न के मामले में, बट आप वहां से कर लो। बाकी भी जो आपके जिन पे आपको ट्रस्ट हो उनके आप टेस्ट सीरीज लगा लो। तो ये जीएस को लेके है। रीजनिंग का लेवल आप जो रिसेंट के एग्जाम है उससे करते रहो, बाकी मॉडरेट लेवल का होगा, रीजनिंग में टफ नहीं होता कुछ, पिछली बार जैसा नहीं होगा, और हिंदी कॉमन ही होती है। रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस अगर देखोगे तो तीनों ने डिस्क्लोज नहीं किया था, ऐसे लिखा था कि वो पूरी पूरी हिंदी रहेगी, पूरी पूरी रीजनिंग रहेगी और पूरा पूरा ही आपका जीएस रहेगा। इसको मैं एक अलग से स्ट्रेटजी बना दूंगा कैसे करना है, लेकिन अभी टीम परीक्षा प्लस आपके लिए क्या कर रही है उसको मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे वीडियो की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत स्पेशल है। 9 PM पे आपका वीडियो के लिए प्रैक्टिस बैच, एक वीडियो के लिए प्रैक्टिस बैच हम लोग लेके आ रहे हैं, जिसमें केवल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। हर सोमवार से लेकर शनिवार तक डेली प्रैक्टिस करना है। इसके अतिरिक्त हम लोग संडे को क्या करेंगे, ये डेली रहेगा वीकडेज में, और संडे को हम लोग क्या करेंगे, संडे में टेस्ट सीरीज, संडे में हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे। ये आपका जो कराया जाएगा इसमें 9 PM पे जो ज्यादा फोकस किया जाएगा वो दो होंगे आपके, वो कौन कौन से होंगे उसको भी बता दूं, वो आपके जीएस के संभाग को और आपकी हिंदी के संभाग को ज्यादा फोकस किया जाएगा। इसमें बीच बीच में कुछ ऐसे भी क्लासेस देंगे जो आपका क्विक रिवीजन करवाए या मैराथन टाइप में, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता संडे को करवा देंगे, सैटरडे में करवा देंगे स्पेशल सेशन। ये कहां पे चलेगा सारी चीजें, ये परीक्षा प्लस यूट्यूब चैनल पे चलेगा, वो भी निःशुल्क चलेगा, ठीक है ना। परीक्षा प्लस यूट्यूब चैनल पे चलेगा, तो जो जिस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और 9 PM पे आपकी सोमवार से ये क्लास आपकी वीडियो के लिए स्पेशली मिलना शुरू हो जाएगी, और हम बाकी सारी चीजें, टेस्ट सीरीज आपका संडे इस संडे को भी, मतलब परसों भी आपका ये टेस्ट सीरीज वहां पे लगा रहेगा। आप तो परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करोगे, टेस्ट सीरीज सेक्शन में जाओगे, फ्री टेस्ट आपका लगा रहेगा, वहां से भी कर सकते हो। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पे टेलीग्राम चैनल वहां पे सब्सक्राइब कर लीजिए, और सबसे बड़ी बात है कि आपकी YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे, बेल आइकन पुश कर लीजिए। बाकी कोई भी आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में से पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।